आज की सबसे बड़ी खबर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग के नोटिस पर कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों के नोटिस को खारिज कर दिया है। सभापति ने नोटिस को राजनीति से प्रेरित बताया है। अपने आदेश में उपराष्ट्रपति ने लिखा है, मुझे इस बात पर भरोसा है कि महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस ना तो जरूरी है और ना ही सही है। देश के बड़े संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर फैसला लेने के बारे में सभी तथ्यों को बहुत ध्यान और निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी शुरुआत न्यायपालिका से आम लोगों के विश्वास को कम करती है। तो क्या आदेश जो उपराष्ट्रपति की तरफ से किया गया है नोटिस के जवाब में, उसमें क्या लिखा है, यह हम आपको दिखा रहे हैं। मुझे इस बात का भरोसा है कि महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस ना तो जरूरी है और ना ही सही है। देश के बड़े संवैधानिक पद पर बैठे किसी व्यक्ति पर फैसला लेने के बारे में सभी तथ्यों को बहुत ध्यान और निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए, क्योंकि ऐसी शुरुआत न्यायपालिका से आम लोगों के विश्वास को कम करती है। ये पॉइंट्स लिखे हैं उपराष्ट्रपति ने। इसके अलावा किसी जज को हटाने के लिए असाधारण महत्वपूर्ण और मजबूत आधार होना चाहिए। राज्यसभा के नियम के मुताबिक कोई सदस्य अगर ऐसा नोटिस देता है तो सभापति की मंजूरी तक उसे सार्वजनिक करना गलत है। और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि 20 अप्रैल 2018 को मेरे सामने नोटिस पेश करने के बाद सभी सदस्यों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर जो भी आरोप थे, जो आरोप इस नोटिस में दिए गए थे, बेबुनियाद आरोपों को सबके सामने रख दिया। नोटिस पेश करने वाले सदस्यों द्वारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर लगाए गए आरोप जो अब तक बेबुनियाद हैं, प्रेस को बता दिया गया, प्रेस के सामने रख दिया गया, जो संसदीय परंपरा के खिलाफ है और ये CJI जैसी संस्था को बदनाम करने जैसा है। तो आपको बता दें कि अपने ऑर्डर में बहुत सख्त लहजे में सभापति ने तमाम जो आरोप लगाए गए थे, 5 आरोप लगाए गए थे विपक्ष के नेताओं के द्वारा, जो नोटिस दिया गया था उसमें 5 आरोप थे और इन 5 आरोपों को खारिज 22 पॉइंट्स में किया गया है। इसमें कुछ पिछले केसेस के बारे में भी कहा गया है, उसका भी जिक्र किया गया है। साथ ही हम आपको बता दें कि 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट जो इसमें उठाए गए हैं वो ये कि जो आरोप लगाए गए हैं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, 64 सदस्यों जिन्होंने साइन किया, उसमें दरअसल इन सदस्यों को ही अपने आरोप पर भरोसा नहीं है, कि परहैप्स जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और उसमें लिखा गया है कि शायद इस तरह के मामलों में, इस तरह की अनियमितता में वो संलग्न है। इसका मतलब ये हुआ, इस ऑर्डर में लिखा है उपराष्ट्रपति ने, कि इसका मतलब ये हुआ कि जो आरोप आप लगा रहे हैं उसको लेकर आपको खुद पर भरोसा नहीं है, आप खुद उस पर विश्वसनीयता के आधार पर खरे नहीं उतरते हैं, लिहाजा ऐसे आरोप को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पीएल पुनिया, कांग्रेस के नेता, उन्होंने क्या कहा है, आप जरा सुनिए। मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन दिया था, नोटिस दिया था, उसको उपराष्ट्रपति जी, सभापति राज्यसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने उसको रिजेक्ट किया है। तो ये प्रक्रिया के से जुड़ा हुआ मुद्दा है और मैं समझता हूँ कि हमारे और विपक्षी दलों के लोग कानूनी राय मशवरा लेके आगे कार्रवाई करेंगे। ये मुद्दा इतना अहम है, इसको हर विकल्प को तलाशने की जरूरत पड़ेगी। हमें इस बात का अभी तक पूरा अंदाजा नहीं है कि उन्होंने किन ग्राउंड के ऊपर इस इम्पीचमेंट को रिजेक्ट किया है। जहाँ तक के सांविधानिक प्रोविजन की बात है, प्रावधान की बात है, वहाँ ये कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा को इल्ज़ाम जो लगाए गए हैं जज के खिलाफ, उनकी तह तक जाना या उनमें कितनी सच्चाई है या नहीं है, वहाँ तक जाने की का कर्तव्य उनका नहीं है, वो जिम्मेदारी उनके पावर से बाहर है। उनको सिर्फ ये देखना था कि क्या जितने नंबर्स MPs के दस्तखत होने चाहिए उतने हैं या नहीं हैं, चाहिए तो उनको वेरीफाई कर लेते वो हर मेंबर के साथ कि वो सही है या नहीं है, और उसके बाद वो प्रोसीजर के तौर पर पिटीशन सही दिया गया है या नहीं, उस पिटीशन में जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों में कितनी सच्चाई है या कितनी सच्चाई नहीं है,
ये जानने के लिए कमेटी का निर्माण होता है जैसा कि संवैधानिक प्रोविजन है। मुझे ऐसा लगता है, चूंकि मुझे इस बात का पता अंदाज़ा नहीं है कि चेयरमैन ने क्या कहते हुए इस पिटीशन को रिजेक्ट किया, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा नहीं कुछ बोल पाऊंगा। They're going to function on a system where if you lose and are not selected by the people based on votes, you will try to look at different institutions to create a political standing for yourself. This is unacceptable. The judiciary is an important, it has to be independent and is a critical part of our constitutional scheme of our democratic structure. The Congress party cannot claim any moral high ground for a party that assaulted directly the judiciary during emergency, went down to appoint pliant judges so that they would be more loyal to the party structure than to the judiciary and the constitution. For them to pretend that they believe in constitutional values is hypocrisy. Secondly, Article 124 is clear. There has to be either incapacity or proven misconduct. It cannot be on conjectures. Thirdly, a political party cannot have the right to decide or anybody else outside the court structure which case will be heard by which judge, which matter should come up when before the court, who should hear that matter, how should the judgment be pronounced. This is not in the interest of the constitutional scheme or the independence of the judiciary. The judiciary and the Supreme Court is an institution of eminence. Every judge who is there is an institution by himself or herself. They can collectively decide how the institution is to run. They don't require a political party outside running on the street with a set of advocates to decide how they have to function and try to bring their political agenda onto this. So if the vice president has decided, he must have done so on merits. The Congress certainly can't claim high moral ground on any basis, because what they are doing is purely political, not driven by any constitutional background or driven by any constitutional concern. जहाँ तक ये महाभियोग यानी इम्पीचमेंट का सवाल है, ये विपक्ष के लोग वेंकैया को धन्यवाद देना चाहिए कि उन्होंने कम से कम ध्यान से इसको पढ़कर फिर उन्होंने एक फैसला दिया। मैं तो ये कह रहा था कि इसको पहले दिन ही पहुंचते इसको कूड़े के टोकरी में फेंकना चाहिए था, क्योंकि एक कंडीशन है कि जब आप इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स लाएंगे तो उसमें कौन से आपके आरोप हैं इसको पब्लिक नहीं कर सकते हो जब तक ये राज्यसभा इसकी बहस करने के लिए तैयार नहीं होगी। इसके माने पहले हमारे सभापति माने उपराष्ट्रपति इसको माने, इसमें इस पर बहस होनी चाहिए। उसके बाद एक 3 मेंबर कमेटी बनेगी, एक सुप्रीम कोर्ट जज, एक चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट और एक मशहूर वकील, इनकी कमेटी कहें कि हाँ इस पर बहस होनी चाहिए। उसके बाद ही इसको पब्लिक किया जा सकता है, इसका खुलासा की जा सकती है। उसका उल्लंघन किया इन्होंने, उस मर्यादा का उल्लंघन किया, तो पहले दिन ही जैसे इनकी याचिका आती या पिटीशन आती इसको कूड़े के टोकरी में फेंकना चाहिए था। ये लास्ट था जुडिशरी जिसको आप गिरा रहे हो, तो इस ये जो आपने ये जो सारा ड्रामा किया है वो मेरे हिसाब से शोभा नहीं देता किसी को भी, छोटा हो या बड़ा हो, छोटी पार्टी हो बड़ी पार्टी हो, शोभा नहीं देती। और मेरे 3 सहयोगी रवि त्रिपाठी, रविंद्र कुमार और महेश गुप्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रविंद्र, माजिद मेनन एनसीपी के नेता, जिन्होंने एक सवाल उठाया कि इसमें कमेटी का गठन किया जाना चाहिए था, उसके बाद वो कमेटी तय करती, लेकिन इसका जिक्र उपराष्ट्रपति या सभापति ने अपने इस ऑर्डर में किया है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फाउंटेन हेड ऑफ जुडिशरी, इसके बाद अटॉर्नी जनरल, इन तमाम लोगों से, प्रिंसिपल एडवाइजर जो गवर्नमेंट सरकार के होते हैं, इन तमाम लोगों से राय मशवरा करना होता है, जो कि किया जाता है इस आर्टिकल के तहत अगर कोई मामला आता है तो। और उन लोगों से हमने बात की, यही नहीं, उन्होंने एक और पॉइंट लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस मामले में हमने जो पत्रकार थे उनसे भी बात की, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स थे उनसे भी बात की, और अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि तमाम जो आरोप हैं वो बेबुनियाद हैं। इस तरह के व्यक्ति पर अगर आप आरोप लगाते हैं तो आपको इन आरोपों के पुख्ता होने की भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। देखिए विद्यासी, जी महेश, क्या महेश आप मुझे सुन पा रहे हैं? महेश गुप्ता तक आवाज नहीं पहुंच रही है। रविंद्र जी आप बता दीजिए, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। देखिए विद्या, दो बातें हैं, दो तीन बातें जरूर है कि
राज्यसभा का चेयरमैन का जो भी फैसला होता है पूर्ण और अंतिम, कुछ ऐसे अधिकार उनके पास होते हैं पूर्ण और अंतिम होता है जिस पर वाद विवाद नहीं हो सकता, जिस तरह से लोकसभा के स्पीकर के पास ही पूर्ण और अंतिम फैसला होता है चाहे नो कॉन्फिडेंस का मोशन हो। अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन अस्वीकार कर दिया जाता ऐसे ही हालात में क्या सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे लोग या फिर इसके खिलाफ क्या सड़कों पर आएंगे? तो कहीं ना कहीं वैसे ही हालात है जैसा कि माजिद मेनन कर रहे हैं। अब देखिए प्रक्रियात्मक जैसा कि माजिद मेनन ने उठाया है, चेयरमैन ने उन सारी प्रक्रिया को अपनाया है, उन्होंने सलाह मशविरा किया संविधान के अनुसार, सबसे सलाह मशविरा किया और उन्हें जजमेंट में क्या लिखा, अपने फैसले में क्या लिखा, जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटी की बात मिसबिहेवियर की होती है 124(4) के अनुसार, उसमें है कि जो प्रसाद शैक्षणिक ट्रस्ट का मामला हो या फिर जमीन खरीद का मामला, इन दोनों तथ्यों को आधार पर उन्होंने कहा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट के जो क्राइटेरिया होता है उसमें ये पूरा नहीं होता है। आप खुद देखिए कि CJI दीपक मिश्रा जब जज बने थे उसके पहले का यह मसला है, आज तक कहां उठा इस मसले को, क्यों नहीं इंपीचमेंट लाया गया था पहले? दूसरा बात, उन्होंने कि मास्टर और रोस्टर पर सवाल उठाया था, साफ तौर पर चेयरमैन ने कहा कि 5 जजों के बेंच ने हाल ही में कहा कि मास्टर ऑफ रोस्टर CJI ही होता है, तो कहीं ना कहीं सारे तथ्यों को आधार बनाकर इसे रिजेक्ट किया गया। अब इसे माने या ना माने उनके ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट में जाए या फिर जनता के बीच में जाए, लेकिन प्रक्रिया और तथ्य दोनों के आधार पर इसे रिजेक्ट किया गया है। ठीक है रविंद्र, आप हमारे साथ रहिए, महेश गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए। महेश, एक पॉइंट ये भी है कि अगर आप इस तरह के कदम उठाते हैं और इस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए आप आरोप लगाते हैं, गंभीर आरोप लगाते हैं और उसके लिए सबूत नहीं है आपके पास, तो आम लोगों का जो विश्वास है न्याय व्यवस्था में उसको भी आप चैलेंज कर देते हैं? देखिए इस जो पिटीशन का जो मकसद है, अगर हम निष्पक्ष होकर बोलते हैं तो उसका सिर्फ मकसद ही यही था कि एक मीडिया में एक माहौल खड़ा कर देना, एक जनता के बीच में एक माहौल खड़ा कर देना, क्योंकि उसका एक ये पूरा जो है एक उदाहरण, पक्का उदाहरण ये है कि जो जज लोए के मामले में ये सभी विपक्षी दल या जो भी पिटिशनर्स हैं या जो एडवोकेट्स की एक लॉबी सुप्रीम कोर्ट में काम कर रही है चीफ जस्टिस के खिलाफ, वो सिर्फ इसी बात का इंतजार कर रहे थे कि जज लोए के मामले में क्या फैसला आता है। अगर जज लोए के मामले में सुप्रीम कोर्ट कह देता कि हाँ जाँच होगी, तो उस जाँच के लिए जो है इन वकीलों ने अमित शाह जो BJP के अध्यक्ष हैं उनका नाम उठाया था, तो फिर उस प्रकार से राजनीति करते और जनता में अमित शाह का नाम लेकर जाते। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने जज लोए की जांच कराने से मना कर दिया कि उन्होंने बोला ऑलरेडी उनकी जांच हो चुकी है और एक वो नेचुरल डेथ थी, एक सामान्य मौत थी, तो जिसके लिए मौके पर 3 जज जो हैं वो खुद भी गवाह थे, तो लेकिन अब उसके तुरंत बाद तुरंत ही आधे घंटे के अंदर ही ये सारी प्रक्रियाएँ शुरू हो जाती हैं। तो सवाल ये कि जो इन पर आरोप हैं चीफ जस्टिस पर, जो कि इनके तरफ से आरोप हैं, वो आरोप तो 1 महीना पहले भी आपके पास थे, 2 महीने पहले भी थे, तो जज लोया वाला जो फैसला अगर उनको सूट करता जी चुप लगा जाते, फैसला सूट नहीं करता तो ये महाभियोग की प्रक्रिया में आ जाते, तो ये मतलब। लेकिन एक ओवरऑल एक माहौल जो है जो मीडिया में बनाया गया है, जनता के बीच में बनाया गया है, उसमें ये लोग सफल रहे हैं जी। महेश हमारे साथ रहिए, रवि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, ये जो 22 पॉइंट्स में ऑर्डर लिखा गया है उपराष्ट्रपति की तरफ से, सभापति की तरफ से, इसमें साफ साफ एक एक चीज के बारे में, एक एक आरोप के बारे में संविधान में क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल 124(4) में क्या लिखा हुआ है, सब कुछ उन्होंने जवाब दिया है और उस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। अब भी क्या कांग्रेस के पास ऑप्शन है, क्योंकि जितने बयान अभी तक आए हैं उसके बाद तो मुझे लगता है कि इसमें सब जवाब हैं, लेकिन क्या कांग्रेस कुछ और सोच रही है? देखिए कांग्रेस का सीधा सीधा आरोप यह है कि जो उन्होंने नोटिस दिया था, नोटिस को सीधे तौर पे उपराष्ट्रपति खारिज नहीं कर सकते हैं, और यहाँ तक कि आप सुरजेवाला का ट्वीट देखें, सुरजेवाला बाकायदा ट्वीट करके कह रहे हैं कि पूरी जुडिशियल पावर उनके पास नहीं है, नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, कम से कम कमेटी बनानी चाहिए। कांग्रेस इसी बात को लेकर, देखिए 2019 का चुनाव आ गया है और पूरी तरह से पॉलिटिकल मूव है, पॉलिटिकल मूव के तहत सुप्रीम कोर्ट से जो चीज़ें होनी आगे आने वाले दिनों में जो फैसले होने हैं उसको कैसे रोका जाए, ये भी एक कोशिश है। आपको याद हो कि कपिल सिब्बल साहब ने बकायदे कोर्ट में राम जन्मभूमि वाले केस में कहा था कि 2019 के बाद इसकी सुनवाई हो चुकी, इसका पॉलिटिकल असर पड़ सकता है, तो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली इस केस को कैसे रोकना है, चूंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उन्हीं के अंडर में ये केस है, सितंबर तक उनका रिटायरमेंट है, और उससे पहले चूंकि अगर ये कमेटी बनती, इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि अगर कमेटी बनती, कमेटी बनते ही चीफ जस्टिस उस दिन से केसों की सुनवाई करना बंद कर देते, वो केस की सुनवाई नहीं कर सकते जब तक कि कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती, और रिपोर्ट देने के बाद उस पर संसद में वोटिंग और जी रवि, रवि को निगेट नहीं कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज की बड़ी खबर यही है कि उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने उस नोटिस को खारिज कर दिया है जिसको लेकर विपक्ष के 64 राज्यसभा सदस्यों ने महाभियोग चलाने की बात के लिए सिफारिश की थी, उसको खारिज कर दिया गया।